अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह ताला वबरकातुहु। दुरुस्त इस्लाम दर्जा 6 की ये हमारा पार्ट नंबर 21 है। इससे पहले हमने 20 पार्ट पढ़ा है, दिखा देता हूँ मैं उसको। ये जन्नत और जहन्नम का बयान था और ये किताबुल अकायद से रिलेटेड 20 पार्ट हम बना दिए हैं। दुरुस्त इस्लाम ये जो बुक नंबर 6 है यानी क्लास 6 में ये चलती है। तो ये जन्नत और जहन्नम का 20वां पार्ट है और उसके बाद से यहाँ पे अब आ गया है उलूम कुरान। यहाँ पे नंबर 2 दे दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे हैं उलूम कुरान 6ठी जमात के लिए, चूँकि क्लास 6 की ये किताब है। अब मैं 4 बाब पे या फिर कह सकते हैं माने 4 हिस्सों में इस किताब को बांटे हैं, ठीक है। किताबुल अकायद है और उसके बाद से है ये उलूम कुरान है, उसके बाद से किताब तारीख है और फिर है दुरुस्त तज़किया है। तो ये 4 भाग में इसको बांटे हैं। तो किताबुल अकायद मुकम्मल हो चुकी है और उलूम कुरान हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। अब सरसरी निगाह से देख लीजिए कुरान, वही नुज़ूल कुरान, तरतीब कुरान, फ़ज़ाइल तिलावत, तिलावत कुरान मजीद के आदाब, हिफ्ज़ कुरान, एहतराम कुरान, कुरानी वज़ाइफ़ है, कुरान सुन्नत है। यहाँ से हमारा ये पहला पार्ट है और पहला सबक है। तो ये है दुरुस्त इस्लाम का, ये हमारा पार्ट नंबर 21 है और उलूम कुरान का ये हमारा पार्ट नंबर ये 1 है, ठीक। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम, कुरान करीम खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राईल अमीन अलैहि सलाम के ज़रिए नाजिल किया गया, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहि सलाम के ज़रिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक कुरान शरीफ नाजिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को जिब्राईल के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। ये अल्लाह ताला का कलाम कदीम है, इसे ज़ुबान से पढ़ा, कानों से सुना और जहन में महफूज किया जाता है। ये मसाहिब में लिखा भी जाता है। कुरान करीम की बेशुमार खसूसियतें हैं। कुरान करीम पढ़ना इबादत है, जिसके पढ़ने का सवाब आलिम और गैर आलिम दोनों को हासिल होता है। तो है कि कुरान करीम तवातुर से साबित है। तवातुर ऐसी रवायत को कहा जाता है कि जिसके रावी इस हद तक पहुंच गए हो कि आदतन जिनका झूठ पर इजमा मुहाल हो। नंबर 3 है कि कुरान करीम मौजज़ा है, क्योंकि कुरान करीम तमाम किताबों पर गालिब आ गया, जबकि उसने अपने मिसल लाने के लिए चैलेंज दिया। बस तमाम मखलूक का उसके चैलेंज के आगे आजीज रह जाना मौजज़ा है। नंबर 4 है कि कुरान करीम अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल की जाने वाली किताबों में आखिरी किताब है और ये क़यामत तक बाकी रहेगी। नंबर 6 है कि कुरान करीम में तहरीफ व तसहीफ नहीं हुई है, जिस तरह इससे पहले नाजिल होने वाली किताबों में हुई है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है। अपने इस कौल में इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, बेशक हमने ही कुरान नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज़ हैं, यानी हिफाजत करने वाले। कुरान करीम से पहले जितनी किताबें नाजिल की गईं उनमें से किसी एक का भी पढ़ना इस वक्त जायज़ नहीं है, क्योंकि मुतअस्सिब यहूदो नसारा ने इन किताबों में तहरीफ कर दी है। हाँ, माहिरीन उलमा के लिए इन किताबों का पढ़ना जायज़ है, जबकि उनका मकसद मुआरिज़ीन के दावा का रद्द करना और उन पर तनकीद करना हो। जो भी मानी लिखिए और याद कीजिए, ये अल्फाज है, ये मानी है। तवातुर बोलते हैं किसी बात या वाक़या को बहुत से लोगों का नकल करना, तवातुर के साथ यानी पै दर पे, उसमें कोई एक रावी बीच से हटा ना हो। सीरियल बाय सीरियल, जैसे 1 से लेकर 10 तक बीच में 7 8 5 6 कोई हटना हो, एकदम 1 बाई 1 A to Z हो।
रावी है हदीस रसूल या रिवायत का नाकिल, जैसे जो रिवायत करते हैं कोई भी हदीस जो बयान करते हैं उसको रावी बोलते हैं। आदतन बोलते हैं ना, आदत के मुताबिक, आदत आप समझ ही रहे हैं आदतन। इजमा बोलते हैं ना, मतलब इजमा का मतलब होता है ना सर ने सबकी राय हो, ठीक है, इत्तेफाक़ राय, मजमा इजतमा सबके माने में आता है। चैलेंज माने बोलते हैं ना मुकाबला करना, चैलेंज जैसे अल्लाह तबारक तआला चैलेंज दे दिया है कि अगर आप कुरान के जैसा कोई कुरान ला करके दिखाओ। और तसहीफ़ बोलते हैं ना असल इबारत को बदल देना। और मुतअस्सिब बोलते हैं अपने ख़िलाफ़ अकीदा रखने वाले से दुश्मनी करने वाला, ठीक है, जो भी मतलब आप अकीदा रखते हैं उसके ख़िलाफ़ अगर कोई अकीदा रखता है उसको हम मुतअस्सिफ़ बोलते हैं। नंबर एक है कुरान करीम की कोई चार खसूसियतें लिखो, ये चार खसूसियतें लिख सकते हैं, ठीक है, कि कुरान का पढ़ना पढ़ना इबादत है, और जिसके पढ़ने वाले का पढ़ने का सवाब आलिम और गैर आलिम को हो सकता है, और कुरान करीम तवातुर से साबित है, कुरान करीम मौजज़ा है, और कुरान करीम अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल की जाने वाली किताबों में आखिरी किताब है, और ये क़यामत तक बाकी रहने वाली है। अब ये छः गो इसमें दिए हैं, छः गो क्या बोलते हैं ये खसूसियत, उसमें से अच्छा नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर दो है कि कुरान करीम की हिफाजत का ज़िम्मा किसने लिया है, कुरान ही से साबित कीजिए। तो कुरान शरीफ की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह तबारक व ताला ने ले लिया है, और कुरान से साबित करने के लिए ये वर्द लीजिए इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान करीम से कब्ल नाज़िल करदा किताबें पढ़ना जायज है, कैसे और क्यों? देखिए कुरान शरीफ से पहले जो भी किताबें मतलब नाजिल हुई हैं उनका पढ़ना जायज़ नहीं है, कि उस वक्त के जो भी मतलब यहूदी नसारा है उस किताब में उन्होंने रद्दो बदल कर दिया है, घाटा बढ़ा दिया है, इसलिए उन किताबों को पढ़ना जायज़ नहीं है। लेकिन बड़े आलिम और माहिर आलिम को पढ़ना जायज़ है। क्यों जायज़ है? इसलिए कि जो वो लोग एतराज़ किए हैं तो उस एतराज़ को रद्द करने के लिए और उन पर तनकीद कायम करने के लिए उसको पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु।